हेलो, जय माता की। जय जय श्री राम जी। गुरु जी, आज हम आपका एक वीडियो देखे हैं, बहुत सही आपने वीडियो बनाया पंडोखर महाराज की। हम भी गए हैं वहाँ पे। हाँ, अच्छा तो वहाँ कुछ नहीं है, सब पैसे का वही लूट हो है पैसे का लूट तो बहुत भयंकर है ना। जी, बहुत है। हम 3 बार गए, एक बार झांसी गए, वहाँ नीम वाली माता प्रांगण में लगा था 15-16 जून को। तो अच्छा, आप आपका बोले आप तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोलू है जी, गोलू? हम यूपी से बोल रहे हैं, नहीं, वो उसका ही सही वाला नाम क्या है? गोलू यादव। अच्छा, गोलू यादव। कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो इलाहाबाद रहते हैं। अच्छा, इस समय इलाहाबाद रहते हैं। हाँ, वही पढ़ाई करते हैं, तो हम गए थे वहां से। हम अच्छा, किसको लेके गए थे? खुद ही गए थे, नहीं आपको तकलीफ थी क्या? तकलीफ नहीं, तो वो घर का थोड़ा समस्या था, तो वही जानना था। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? अच्छा, नहीं, शादी नहीं हुआ। पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम यहाँ बलिया के हैं, बलिया? बलिया बलिया यूपी में पड़ता है। बलिया। अच्छा, क्या वहाँ क्या मतलब स्थिति है? मतलब पहली बार हम गए तो किसके पहले यहाँ गए थे? वहाँ दतिया पंडोखर सरकार, अच्छा, पंडोखर सरकार में गए थे। गुरु अच्छा, शरण शर्मा। हाँ, गुरुशरण शर्मा। तो ये कब गए थे आप पहली बार? हमारे पास पर्ची है 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल। 2022। अच्छा, तो क्या स्थिति रही? क्या उन्होंने बताया था? क्या आप तकलीफ ले गए थे? हम गए थे तो हमारा नंबर ही नहीं आया। अच्छा, पहली बार नंबर नहीं आया। और कुछ पैसे लिए थे क्या उन्होंने? अच्छा, हाँ, 2100 की पर्ची हम कटवाए थे, तो 2100 आगे की से पर्ची। पर्ची कटवाया, नंबर ही नहीं आया। अच्छा, हाँ, नहीं आया। एक एक महीने, दो दो महीने वेटिंग चल रहा था। फिर फिर उसके बाद हम दोबारा वो डाले कि जी मतलब निशुल्क लगेगा, जून में झांसी में हाँ। नीम वाला माता प्रांगण में, अच्छा, तो नींद वाला, नीम वाला प्रांगण नीम वाली माता प्रांगण। में? अच्छा, वहां उनका लगा था क्या? हाँ, 3 दिवसीय था, जिसमें वो केवल 2 ही दिन आए थे, 15-16-17 था, तो अच्छा, केवल पंद्रह पंद्रह सोलह को आए, सत्रह कब? जून जून 2000? 22। अच्छा, 22, यही इसी साल? हाँ, इसे अभी 4-5 महीने हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ वहां? तो वहाँ हम गए तो पहली बार तो मतलब वहाँ जैसे नंबर ही नहीं आया, वो जिन लोगों का नाम बोले वही लोग गए। नहीं तो नंबर तो आपका पहली बार नहीं आया, जिसमें 2100 दिए, फ्री वाले में भी नंबर नहीं आया। नहीं, नाम बोला ही नहीं गया, जिसका जिसका बोला गया, तो वो जो झांसी वाले थे उन्हीं हाँ, का ही वो ज्यादा नाम बोल रहे थे। अच्छा, झांसी वालों का नाम बोल रहे थे, अगल बगल वालों को नहीं बोल रहे थे? अगल बगल वालों का नहीं, दूर दूर से भी भक्त लोग आए थे, तो उनका नहीं बोल रहे थे। नहीं तो वहां अरे, रुकने की रुकने व्यवस्था क्या थी? का कोई व्यवस्था नहीं, वैसे पंडाल था, वहाँ रुकी है। और खाने का खाना का हम लोग बाहर से जाके खाए। मतलब, आपको खाना बाहर से खाना है? वहां टेंट लगा था तो उसमें आप रुक सकते हैं, उसका कोई चार्ज हाँ, लगता था क्या? नहीं, उसका चार्ज नहीं था, गद्दा मतलब था। गद्दा अगर आप लेते हैं तो पैसा लगेगा? नहीं, पैसा गद्दा का नहीं लगा था, वो बिछाया गया था। अच्छा, गद्दे का नहीं लगा हो, क्योंकि आप पहले से आपकी वो पर्ची रही है ना। नहीं, जिसका नहीं भी था उससे भी नहीं लिया गया वहां पे, लेकिन अच्छा, वहां तो लगता है, वहां रूम का हॉल का पैसा लगता है 100 रुपये, तो गद्दा का ये नहीं दतिया लगता। में, पंडोखर धाम में, हम्म, वहाँ वहाँ पर अगर आप रुकते हैं तो रूम का, और चाहे आप कमरे में रुके चाहे आप हॉल में रुके, 100 रुपया पर व्यक्ति लगेगा। हाँ, हाल में 100 रुपये। वो ये समझ जाइए सर कि 100 लोग डेली वहाँ रहते हैं हाल में। अच्छा, और रूम में कितना लगता है? रूम का 1500 रुपये ऊपर है रूम, अच्छा, उसके अगर कमरा रूम के लेते चार्ज। हैं तो 1500 रुपये लगता है, और हार का लेंगे तो 100 रुपये। और खाने का? हाँ, मतलब खाना तो आप बाहर खाइएगा तो 70 रुपये है। नहीं, बाहर मतलब और इनके यहाँ की
नहीं इनके यहाँ तो मतलब वो सुबह चावल दाल मिलता है, शाम को पूरी सब्जी भंडारा चलता है। अच्छा उसमें आप पैसा नहीं लगता। नहीं नहीं उसमें नहीं लगता है। अच्छा इसके बाद अगर आपको अपने मन का खाना है तो आप फिर होटल में खा लीजिए। हाँ हाँ बाहर वो गांव वाले बना के खिलाते हैं। अच्छा गांव वाले बना खिलाते हैं। हाँ मतलब वही बाहर जो भी व्यवस्था है। तो हाँ ये दो सत्तर बार हो रुपये गया, उसका तीसरी बार चार्ज। तीसरी बार गए सब। तो हम तीसरी बार जैसे उसी समय अप्रैल में ही हम चले आए इलाहाबाद, हाँ तो दोबारा फिर वो वहाँ एक लोग दिल्ली के थे तो हाँ बोले कि आ जाओ नंबर आ जाएगा, हाँ तो हम गए तो मतलब कई दिन नंबर बाद। जैसे मान लीजिए कि 4-5 दिन बाद फिर हम चले गए, अच्छा, तो आप अब दतिया क्योंकि गए वहाँ होंगे। हाँ नहीं हम झांसी जाते थे, झांसी से बस से वहाँ दतिया, अच्छा बस से दतिया चले जाते। ठीक है आप। मतलब बस स्टॉप आप जाइएगा तो वहाँ से पंडोखर, पंडोखर के लिए बस जाती है जो लहर के रास्ते से होते हाँ हुए पंडोखर जाती है। अच्छा, तो आप मतलब पहुंच गए वहां पे और फिर से रसीद कटाई कि उसी में पुराने में नहीं चले। रसीद नहीं कटा है, पुरानी रसीद का ही अभी नंबर नहीं आ रहा था, वो VIP पर्ची चल रही थी, अच्छा 7200 उस दिन चल रही थी, अच्छा VIP में 7200 रुपये लगते हैं। मतलब VIP में 11,000 और 7200 की पर्ची कटती है, अच्छा VIP में 11,000 और 7200, तो जो जो ग्यारह उसका हजार टोकन मिलता है। 7200 का अगर पर्ची कटवाता है, टोकन लेता है, तो उसका नंबर पहले आएगा। हाँ मतलब 11,000 का पर्ची कटवाएगा तो 4-5 दिन में नंबर आ जाएगा। अच्छा और 7200 वाले का तो हफ्ता भर में, हाँ हफ्ता भर लग जाएगा। और आपका तो कुछ पता ही नहीं है। फिर नहीं कुछ नहीं पता। तीसरी बार आप गए तब भी नंबर नहीं लगा। तीसरी बार हम जून में गए तो जून में का लगा ही नहीं, अब मई में शायद नंबर आने वाला था तो मई में हम गए ही नहीं। तो कैसे पता जब गए नहीं कि आने वाला था। हाँ एक वहाँ थे ना तो बता रहे थे कि 2100 1100 वालों का अब चलेगा मार्च वाला। अच्छा मतलब ये था। अब उसमें कितने लोग हैं, कितने का आएगा, वो एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए जाने पर वहाँ पर डेट का पता रहता है कि इस डेट को हम भी आए हैं, बगल वाला भी आया है तो नंबर वंबर ले लेते हैं। तो मतलब जैसे वहां मान पर केवल लीजिए पैसा कि भर लेते हैं और मतलब देखने सुनने से कोई मतलब नहीं आया। जैसे मान लीजिए वहाँ 21,000 51,000 का भी कटवाते हैं पर्ची लोग, अच्छा तो उनका 21,000 का जो कटवाता था तो उसको तुरंत 7 घंटे में मिलवाया जाता था, अच्छा तो 21,000 का कटवा के ऊपर गया पिछले गेट से तो वो जाके वहाँ पर खटखटाएगा, तो वहाँ एक लोग रहते हैं तो खोलते हैं उसकी टोकन देखते हैं कि इसका इतने का है तो उसको अंदर बैठवा देते हैं। अच्छा जी मतलब इस तरह से हो रहा है। 51,000 का भी है। अच्छा हाँ 51,000 का भी बहुत लोग कटवाते हैं, ज्यादा लोग दिल्ली हरियाणा साइड के। तो फिर 51,000 का और जल्दी नंबर आता होगा। हाँ 51,000 का भी वो 4 घंटे में मिलवा दिया अच्छा जाएगा। 4 घंटे में 51,000, 7 घंटे में 21,000। हाँ और इसके बाद जो ने जो 9,000 है, कि नहीं 7,000 कितना बताया आपने, तो उसका एक हाँ सप्ताह है 7200 और 7,200, हाँ 7200 और 11,000 वालों का, और 11,000 का 4 दिन में, हाँ 4-5 दिन लग जाएगा वो नंबर और वाइज चलता है। 7,200 वाले का 7 दिन, और 2,100 वाले का कुछ पता नहीं। तो उन लोग का पते नहीं है 2100 का, फिर मतलब 2,100 कि आप वाली कटवाइए ना, रसीदे क्यों काटते हैं। वही तो नई बात समझ में आता है, 2100 और 1100 का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा 2,100 आपने 2,100 कटवाई थी, 1,100 वाले भी इनका पैसा भर ले लेते हैं और कोई मतलब नहीं है। हाँ वो दोनों साथ ही में भेजते हैं 2100 और 1100 वाले के, बोलते हैं इस डेट से इस डेट वाले आओ। तो उस हिसाब से तो आप इतने दिन वहां चक्कर लगाए, मिल पाए नहीं। नहीं मिले नहीं, हम दरबार देखे कई दिन, 7-8 10 दिन तक। 10 दिन वहां रहे हैं। हाँ दोनों टाइम मिला के तो हो ही गया था। अरे तो आती है भाई। हाँ दरबार तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं तो हमारे पास मान लीजिए स्टूडेंट है उतना पैसा था नहीं, तो हम
उतना का कटवाए नहीं, नहीं तो पहले पता रहता तो 11,000 का कटवा देते, क्योंकि जाने आने में रिजर्वेशन, खाने पीने में तो उतना खर्च हो ही जाता है। पर ऐसा है, जैसे तुमने 11,000 कटवा लिया और मिल लिए, तो समाधान तब भी तो नहीं होता है वहां, तो केवल बताई भर तो देते हैं और करते क्या है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि बता देंगे आपका जो समस्या रहेगा, तो समस्या तो एकदम रियायत बताते हैं, बस वही कला है कि समस्या बताते हैं। तो बताने भर से आपका भला कैसे होगा? वही तो मान लीजिए कि समस्या है, तो वो भी आपकी जितना समस्या वो नहीं बताएंगे, मेन मेन जो एक दो है वही बताएंगे मेन मेन, और उसके बाद बोलेंगे कि 5 अमावस्या करिए। तो आप अमावस्या पर जाइएगा तो 11,000 का पर्ची है, तो उसका 10% के हिसाब से आपको अमावस्या की पर्ची कटवाना पड़ता है 1100 की। अच्छा, मतलब उसका हर अमावस्या को 10% के हिसाब से, मतलब 1,000 1,100 रुपये फिर कटवाओ, हाँ तो 5,000 मतलब हो गए 5 बार में। हाँ ये तो यार तो कुछ लूट वाली बात ना हो गई? तो हाँ वही तो। ये तो भाई, पर्ची अच्छी तुम्हारे पास है? पर्ची है तुम्हारे पास? हाँ, पर्ची तो है। ऐसा है कि यहाँ से आपने वीडियो देखा होगा तो वहां का विरोध किया जा रहा है कि हाँ, भाई वो तो विरोध भाई इस तरह जरूरी लूट है। कर रहे हैं, ये ना करें गलत है, गरीबों क्यों लूट रहे हैं? अरे सर, वहाँ पर बहुत बहुत गरीब लोग आए थे, उनका पैसा आए खर्च हो गया, अब जाने के लिए किराया नहीं था, हाँ, इधर उधर किसी तरह घर से मंगवा के वो लोग गए। आप मुझे व्हाट्सएप में अपनी रसीद भेज देंगे हाँ, रसीद भेज सकते हैं। और मैं ये आपसे जो हमारी बात हो रही है इसको मैं YouTube में डाल दूं? आपकी मर्जी। नहीं समझे आप? देखो क्यों नहीं, डाल दें, आप समझना बात को, इसलिए कि जो भी सुनेगा तो कम से कम पहले चेत जाए, आपकी तो जेब से लग गए और आपके तो भाई चाहे 1 रुपए हो, चाहे 1,100 चाहे 2,100 हो, अब प्लस आना जाना है 10-15 दिन जो बर्बाद हुआ और उसमें किराया खर्चा खाना पीना सब लग गया तो 10,000 रुपए लग गया, और इसके बाद भी मिलने को भी नहीं मिला, तो नहीं उसकी मिले, नहीं स्थिति मिले। में तो व्यक्ति तो गरीबों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है ना। हाँ ये तो है, नहीं हम तो तो खुल के बोल पहले। रहे हैं, देखो बात समझो बात को, हम तो खुल के बोल रहे हैं और सामने आते हैं, पर आप नहीं, लोग मेन अगर इस बात है तरह कि का वो अगर लोग सपोर्ट करेंगे, हम उसमें डालेंगे तो लोग कम से कम लुटने से बचेंगे। तो तो सर, मेन बात है कि आप लोग का चैनल है तो बहुत कम ही जगह है, और उनका है तो मीडिया प्रेस सब्सक्राइबर ज्यादा लोग हैं, अरे ज्यादा। आप चिंता न करो, हम इसको और कई जगह डलवाएंगे ना। देखो एक बात समझो, अगर हम 1,000 लोगों तक पहुंच जा रहे हैं तो 1,000 लोगों को बता तो पा रहे हैं, आप तक ये बात कैसे पहुंची? YouTube से ना? हाँ, वो जैसे हम शुरू में देखे शक्तिपुत्र का विरोध कर रहे थे, तो हाँ फिर उनके भी देखे वीडियो, फिर ये वीडियो जब देखे तो ये लेमिनेशन वाली पर्ची एकदम राइट राइट था, हाँ अमावस्या वाली भी पर्ची सही था। अब वो ऐसा है कि ये उनको बताए थे कि तुम्हारा गड़ा धन मिल जाएगा और उसमें खुला लिखा है, तो भैया अगर जब इतना ताल ठोक के कह रहे हैं तो मिलना चाहिए ना। हाँ, वो तो ये भी कहते हैं क्या, जो लिखा है अगर वो नहीं होगा तो हम गद्दी छोड़ देंगे, तब गद्दी लेकर काहे हम। नहीं छोड़ रहे हैं वो, हमने तो पर्ची डाल दी, पर्ची डाली और व्यक्ति ने तो सामने पर्ची लेके बैठा है और खुद बोल रहा है, ये भी तो देखे हैं आप। हाँ, ये तो है। तो जब वो सामने बोल सकते हैं तो आपकी वीडियो आप कहो तो हम ऑडियो आपकी डालेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपका भी हमें सहयोग चाहिए ना। हम तो जी खुल के कह रहे हैं गलत हो रहा है, हम तो उनसे डरते नहीं, और डरने की वो कोई तो, बात ही नहीं, भैया गलत कर रहे हो तो गलत का विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, लेकिन बस एक बात नहीं समझ में आता है कि समस्या वो कैसे पहले जान जाते हैं। समस्या तो जानना बड़ी बात नहीं है, क्या होता है कुछ निकृष्ट साधनाएं हैं कर्ण पिशाचिनी जैसी। हाँ, कर्ण पिशाचिनी का साधना हम भी जानते हैं, वो कई लोग को सिद्ध किए रहते हैं तो पहले बता देती है। बता देती है ना, तो वही बता देते हैं और क्या करते हैं इससे ज्यादा। तो आज देखो समस्या का आप समाधान तो कर नहीं पा रहे,
केवल बताने भर से आप लूट रहे हैं तो क्या फायदा है। और जैसे मान लीजिए कि वहाँ के गांव वाले जो थे, हाँ, उन लोगों से हमने पूछा कि तुम लोग नहीं जाते हो, तो वो लोग बोले कि हम नहीं जाते हैं। हाँ, और इसके अलावा बताते थे वहाँ के लिए गुरुजी चुनाव में भी लड़े तो हार गए। तो वो तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़े हार गए तो उनकी समस्या है, पर ये लूटे तो ना समाज को। चुनाव लड़ना तो सब लोग लड़ सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हर बार चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जो आप गरीबों को लूट रहे हैं वो तो रुकना चाहिए। तो आपकी हम ऑडियो डाल देंगे उसमें यूट्यूब में, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं नहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो आप हमें ऐसा वो पर्ची जो है आप हमें भेज देंगे व्हाट्सएप में, इसी नंबर पे? एक सेकेंड, हाँ इसी नंबर पे जी, इसी नंबर में आप पर्ची भेज दें तो हम वो पर्ची भी उसमें शो करेंगे और ये कहेंगे कि भैया ये ऐसे अगर आप 2100 की पर्ची काट रहे हैं, अगर आप उसे मिल भी नहीं रहे हैं तब तो गलत है ना भाई। आपने 2100 किस बात के लिए है? नहीं 2100 की आप पर्ची काटी है, उसका बोलते हैं कि जो जैसे हमको पैसा देता है अमाउंट तो उस हिसाब से उससे हम मिलते हैं। तो ऐसा है तो 2100 वालों का जब रोल है नहीं तो 2100 लेते ही क्यों है? तो वही तो, नहीं तो 2100 यहाँ पर्ची कट रही है, वहाँ पहले बता दे कि 1 महीने 2 महीने बाद तुम्हारा नंबर आएगा, कटवाना चाहते हो? हाँ ऐसा बता तो दे। व्यक्ति, हाँ तो व्यक्ति अपना कटवाएगा, नहीं तो वो नहीं कटवाएगा। तो धर्म को तो उन्होंने बेच के रख दिया ना। धर्म बेचने वाली चीज थोड़े है। अरे मान लीजिए आस्था है, जिसका जितना वैसे रहेगा तो सही रहता है। आस्था देखिए, आस्था को वो तो भुनाने वाली बात हो गई ना, जब पैसे आप ले रहे हैं बात बात पे, अब इसके बाद भी मिल नहीं रहे हैं तो फिर तो धोखाधड़ी हो गया। हाँ धोखाधड़ी ही कहलाएगा ना, कि आप बता भी नहीं रहे बाद में मिल नहीं रहे, पैसा हमारे ले लिए। ये तो एक कोई काउंटर लगाओ कि नहीं मिल पाए तो आप पैसा वापस ले लो। हाँ ये भी रहेगा तो सही रहेगा कि पर्ची नहीं मिल पाए तो वापस हो जाएगी। वापस होता नहीं क्योंकि वो, और दूसरी बात आप मिल लेंगे तो अगर उन्होंने आपको बता भी दिया तो उससे समस्या का समाधान कहाँ हो रहा है? हाँ वो तो नहीं हो रहा है, कई लोगों भी हैं हमारे पास उनका नंबर है, वो उस समय मिले भी थे। हाँ तो वो लोग भी बताते हैं कि अभी कुछ फायदा नहीं है, अमावस्या तो कर रहे हैं। ऐसा है तो ऐसे लोगों को भैया देखो जागरूक तो करनी पड़ेगी ना समाज को, कि जो रोज लूट रहा है 2500 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। अरे सर सोच लीजिए कि महीने का करोड़ों रुपए इनकम है, करोड़ों रुपए इनकम वो कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए कि लूटते रहे लोग? और बोलते हैं कि बस मंदिर बनवा रहे हैं इसीलिए पैसा ले रहे हैं, तो मंदिर कितना में बनेगा? अब समझ लो मंदिर के बहाने वो तो कमाने में लगे हैं। और तो ऐसा है कि आप जिसके जिसके पास नंबर है आपके, आप हमें वो नंबर उपलब्ध करवा देना तो हम ही उनसे बात कर लेंगे। और दूसरी बात, आप अपना वो जो रसीद है वो जो क्या कटवाए हैं? हाँ वही वही रसीद टोकन बोलते हैं उसको, तो उसको आप मुझे व्हाट्सएप इसी में कर दो जी। हाँ देखो कहीं ना कहीं तो विरोध का मतलब गलत का विरोध तो करना पड़ेगा। हाँ। जब तक जनता विरोध नहीं करेगी तब तक उन्हें अकल नहीं आएगी, बात सही है कि नहीं है? हाँ जब विरोध होगा तो भी ना कोई नहीं जाएगा। हाँ तो जरूरी है कि मतलब इस तरह की लुटाई बंद करनी पड़ेगी ना। हाँ तो उसमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा है कि आप मुझे वो रसीद भेज दो और हम उसको बिल्कुल ये ऑडियो हम डालेंगे, और आपकी कोई फोटो हो तो फोटो भेज सकते हो तो भेज दीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है जी जी। क्योंकि ऐसा है, ठीक है हम डर के बैठ जाएं तो फिर हमारे और जो भाई मतलब लूट रहे हैं तो क्या उन्हें लूटने दें? तो आप अपनी फोटो और अगर आप वो भेज सके, यार तुम तो नए लड़के हो पढ़ने लिखने वाले, यंग एज हो, अब अगर तुम लोग भी निर्णय नहीं लोगे तो फिर ये तो लुटाई चलती ना रहेगी। हाँ ये तो है। तो आप अपनी फोटो
और वो जो रसीद दोनों आप मुझे व्हाट्सएप करो। जी हाँ ठीक है। जी और ये तो माँ का दरबार है, कभी भी आओ, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, रुकने हाँ की भैया, भोजन की व्यवस्था फ्री रहती है, गुरुदेव जी से मिलना भी फ्री रहता है, जो आपका समस्याओं का समाधान है उसका भी कोई कैसा पैसा नहीं लिया जाता है, जो उचित जैसे समाधान है बताया जाता है, गुरु जी मतलब बता देते हैं ये भी। इस तरह नहीं बताया जाता यहाँ, हाँ क्योंकि बता भी दे तो क्या हो जाएगा भाई। हाँ जैसे हम बता दें कि आप 1 महीने बाद मरने वाले हैं, तो 1 महीने बाद तक के पहले आप तो आज से मरना शुरू हो जाएंगे, तो आपका क्या भला हुआ? हाँ मतलब उपाय बताएंगे देते हैं ही उपाय हमें कि ये चीज बताएंगे कि करें। आपका 1 महीने जो है तो कम से कम और बढ़ जाए आपकी उम्र, ऐसे उपाय तो ठीक है, पर अगर आपको बता दिया 1 महीने बाद मरना है तो आज आज से मरना शुरू हो जाएगा। तो हाँ इस तरह यहाँ ये बताने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ ये है कि आपकी समस्याओं का समाधान कैसे हो वो बताया जाए, ज्यादा अच्छा जी। और ये कहाँ पड़ता है? है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, उसकी ब्योहारी तहसील में है, जी और कभी भी आ सकते हैं तो माँ का दरबार है, यहाँ श्री जी दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चलता है 24 घंटे, और आप जी वहां पर भी आप निवेदन करते हैं तो भी आपको माँ की आप कृपा आशीर्वाद मिलता है, लाभ मिलता है, जी और यहाँ पर लूट का विरोध किया जाता है, जी समाज में कहीं भी लुटाई हो रही है अगर यहाँ पता चल जाए तो उसका विरोध किया जाएगा, चाहे जितना विरोध करना पड़े। जी तो आप लोगों को भी एंगेज हैं, आप लोगों को भी जरूरत है बढ़ने की, आप मुझे फोटो और अपनी रसीद भेज दो। जी सर हाँ जय माता दी। जी।